हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बच्चों की छुट्टी है, मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। दरअसल बच्चों के पापा ऑफिस जाएंगे तो मैं उन्हीं के लिए थोड़ा सा भरता बना रही हूँ। बच्चों के लिए मैं बाद में कुछ बना दूँगी। भरता मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे मेरी मम्मी बनाती थी। सभी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। जो हम अपनी मम्मी से सीखे हुए होते हैं वही हम बनाते हैं, क्योंकि माँ के हाथ का बना खाना तो कोई बेस्ट कुक भी नहीं बना सकता। भरता भी बन गया था। चलो रोटी बना लेते हैं। मैं जैसे ही रोटी बना रही थी, आज चिमटा टूट गया। सुबह तो किसी की भी सोप नहीं खुली होगी, तो मुझे रोटी इसी से सेकनी पड़ रही है। रोटी ढंग से सिक तो नहीं पा रही है, पर क्या करे, सेकनी पड़ेगी। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी बालकनी को साफ करने। मुझे आज तीनों ही बालकनी को साफ करना है। बालकनी मैं एक दिन छोड़कर साफ कर देती हूँ। ये साफ ही रहती है, ज़्यादा गंदी नहीं होती। ग्रिल पर कपड़ा तो रोज ही लगाना होता है। फिर मैं दूसरी बालकनी में आ जाती हूँ। दूसरी बालकनी में 3 कुर्सियाँ हैं, जिस पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये कुर्सियाँ हमेशा बालकनी में रहती है। तो मैं जब बालकनी साफ करती हूँ तो इन्हें एक तरफ करके सारे में पानी डालकर साफ कर लेती हूँ। बालकनी साफ करने के बाद रूम की भी डस्टिंग कर लेती हूँ। ये पढ़ रहे हैं। अक्षत बोल रहा है, मम्मी मेरी राइटिंग ठीक आ रही है क्या? दरअसल वह सभी राइटिंग को एक तरफ लिख रहा था, तो मैंने कहा बिल्कुल सीधा लिखना है, तो वही दिखा रहा था। फिर मैं आ जाती हूँ कपड़े डालने के लिए। कपड़े भी धोने होते हैं। कपड़े भी मैं एक दिन छोड़कर धो लेती हूँ। मैंने मशीन में पानी चला दिया है, तो इतने टाइम में वॉशिंग मशीन में पानी डल रहा है, तो मैं किचन के गेट को क्लीन कर लूँगी। क्यों टाइम वेस्ट करना।
क्योंकि बिना रुके बिना थके मशीन की तरह चलना होता है जब कहीं जाकर काम निपटता है। मशीन में कपड़े डालकर फिर आ जाती हूँ मैं चप्पल जूते की रैक की सफाई करने। कपड़े अपने आप धुलते रहेंगे तो मैं और काम निपटाती रहूँगी। इसमें मैं आटा प्लास्टिक बैग को बिछा दूँगी और जूते चप्पल को ऐसे लगाकर रख दूँगी जो ये कम स्पेस में रखे जा सके। स्विच बोर्ड भी साफ कर लेते हैं, जितने भी डस्टिंग रह रही है वो डस्टिंग कर लेते हैं। स्विच बोर्ड को कभी भी गीले कपड़े से साफ ना करें, बस सूखा कपड़ा लगा दे वह साफ हो जाएगा। अगर ज़्यादा ही गंदे नज़र आ रहे हैं तो कोलगेट लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं, उसे बोर्ड पर लगाना है और कपड़े से साफ कर देना है, वह चमक जाएगा। फिर मैं किचन की सफाई करने आ जाती हूँ, किचन की वही रोज की बेसिक सी सफाई। किचन की सफाई करके बर्तन वॉश कर लेती हूँ, साथ में बास्केट भी वॉश कर लेती हूँ। फिर लास्ट में सारे घर में झाड़ू रह जाती है और झाड़ू भी लगा लेती हूँ। झाड़ू के बाद पोंछा लगा लेते हैं। घर में इतने काम होते हैं, एक निपटाओ तो दूसरा तैयार हो जाता है। ये सभी काम सुबह के ही होते हैं, इन्हें बस करते हुए चलते हैं तो काम सही टाइम से निपट जाते हैं। अगर थोड़ा रुके थोड़ा थके तो काम में पूरा दिन चला जाएगा और काम होगा ही नहीं। तो फिर कपड़े भी धुल चुके थे, कपड़ों को भी सुखा लेते हैं। फिर मैं नहाकर किचन में आ जाती हूँ। मैंने बच्चों के लिए दाल बनाई थी, दाल में तड़का लगा दिया है। तो इस तरह से मेरे सभी काम निपट जाते हैं जो सिर्फ बिना रुके बिना थके ही संभव हो पाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।